नमस्कार, शुभम जेकेट्री की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 जो होने वाला है आपका अगले साल, उसका यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस उसका रहेगा। तो यहाँ पे जाओ, जो सिलेबस दिया हुआ है वो पिछला ही सिलेबस रहेगा। यहाँ पे NTA द्वारा मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो आपको जो यहाँ पे नीट के लिए पता ही पहले कि आपके जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हायर सेकेंडरी स्टेज के जो है ये सब्जेक्ट आपको आने ही वाले हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये PDF में सिलेबस का जाओ डाल दूंगा, तो आप उसको जब वहां से डाउनलोड कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो आपका नीट का टेस्ट जाओ MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होता है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जाओ इस टेस्ट को कंडक्ट, यहाँ पे जाओ ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे जाओ कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो अगर किसी को जाओ MBBS में एडमिशन लेनी है, एम्स वगैरह में एडमिशन लेनी है, तो याद रखो कि आपको नीट को क्वालिफाई जाओ करना ही पड़ेगा, या नीट आपको जा देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो फिजिक्स का सिलेबस रहेगा वो वही टॉपिक रहेंगे जो +1 +2 में उसके पास आते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। देखो, +1 +2 में फिजिक्स जो आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको यहाँ पे जो फिजिक्स में सिलेबस में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वही चीज है कि आपको जाओ पहले तो NCERT फॉलो करनी है, आप उसको NCERT को पढ़ो अच्छे से। देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट आता है, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से आएगा क्वेश्चन, पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आएगा। ये तो चैप्टर के नेम ही है जो +1 +2 की बुक्स में आपको दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से देखिए। आगे यहाँ पे देखते हैं, +2 का भी दे रखा है यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस की यहाँ से जाओ क्वेश्चन आपको आएंगे। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होगी, केमिकल काइनेटिक्स होगी, सरफेस केमिस्ट्री होगी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, हेलो एल्केन्स हो गए, हेलो एरिनोस हो गए, अल्कोहल फिनोल्स इथर्स हो गए, एल्डिहाइड्स कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ पे जो हो गई है। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको बायोलॉजी की MCQs की प्लेलिस्ट चाहिए, मैं 100% बताता हूँ कि नीट में वहां से जाओ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मेरी बायोलॉजी के MCQs की वीडियोज में से, तो आपको सर्च करना है बायोलॉजी MCQs बाय शुभम जी कैटरिक, आप ये जाओ जरूर सर्च करें। ठीक है, बायोलॉजी MCQs बाय शुभम जी कैटरिक, आपको वहां वहां पे बहुत सारे जो MCQs मिलेंगे नीट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से जाओ मेरे बायोलॉजी MCQs से कम 10 to 20 क्वेश्चन आपको जो नीट में देखने को डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये बायोलॉजी +1 का सिलेबस है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये बायोलॉजी का +12 का जाओ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जाओ बायोलॉजी के लेक्चर्स मैंने काफी सारे करवाए हुए हैं, तो आप ये लिखेगा बायोलॉजी लेक्चर्स बाय शुभम जी खेटरिक, आपको जाओ काफी सारे लेक्चर्स जाओ मिल जाएंगे। हमने NCERT को भी जाओ कंप्लीट करवा रखा है, यहाँ पे आपको देखना है, और बायोलॉजी की शाम को 9:30 बजे जो क्लासेस लगती है हमारी शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप वो जाओ वहां पे जरूर देखेगा। अब देखिए यहाँ पे जाओ फिजिक्स में जो डिटेल में सिलेबस अगर देखें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में फिजिक्स में सबसे पहले जाओ स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये आपका आता है। नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपकी जो आती है फिजिकल वर्ल्ड ऑफ
एंड मेजरमेंट में, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए काइनेमेटिक्स में आपको जाओ, जो रेफरेंस होता है फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे जाओ देखने को यहाँ पे मिलेगा। एलिमेंट्री कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंशिएशन के एंड इंटीग्रेशन के, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है मोशन को। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आपको देखने को मिलती है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जनरल वेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशन आपको देखने को मिलती है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है, यूनिट वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूनिट वेक्टर्स में आपको जाओ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, ठीक है, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन यहाँ पे जाओ देखने को आपको जाओ मिलेगा, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स का सिलेबस आप जाओ पढ़िएगा अच्छे से, लॉज ऑफ मोशन में से भी जाओ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन यहाँ पे जो आती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको जो 100% जो पड़ता है। डायनेमिक्स में से इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन बैंक रोड, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनते हैं। वर्क एनर्जी पावर में से भी क्वेश्चन बनते हैं, वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पावर, मोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजंस इन वन एंड टू डायमेंशंस। मैं आपको जाओ डायरेक्ट यहाँ पे बायोलॉजी के सिलेबस को ले जाता हूँ, लेकिन आप जाओ फिजिक्स का सिलेबस जरूर पढ़िएगा अच्छे से फिजिक्स का, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन है हमारा, जो हम स्पेशली जो शुभम जीकेट्रिक यूट्यूब चैनल करता है, वो बायोलॉजी करता है, तो मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी के जो सिलेबस पे यहाँ पे जाओ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी आप देखिएगा, टेलीग्राम पे आपको जाइए, वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको इसका, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आपको जाओ जो डायरेक्ट ले जा रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस पे, जहां से आपको जाओ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 180 क्वेश्चन आपको आने हैं, और मैक्सिमम हमने जाओ वहां से कवर अप जाओ किया है। तो देखिए लिविंग वर्ल्ड में आपके जाओ यहाँ पे क्लास पर्सन का सिलेबस रहता है, तो देखो बायोडाइवर्सिटी आती है यहाँ से, लिविंग के बारे में आता है, जो थ्री डोमेन्स है लाइफ के, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की यहाँ पे देखने को जाओ मिलती है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, कैरोलस लीनियस से क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल से क्वेश्चन आता है, टूल्स जो होते हैं स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी के, म्यूजियम्स, जूस, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बात करें, तो जितने भी किंगडम्स हैं, ठीक है, उसके सैलियंट फीचर्स है, क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये आपको यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, लाइकन्स, वायरसेस, बायरॉइड्स, प्रायोन्स से जो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जाओ मिलते हैं। मैक्सिमम हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर आपको जाओ देखने हैं क्वेश्चन तो आप बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जीकेट्रिक सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए टेरिडोफाइट्स के, जिम्नोस्पर्म्स के, एंजियोस्पर्म्स के, ब्रायोफाइट्स के, एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्लासिफिकेशन आपको जाओ यहाँ पे आएंगे, उनके जाओ ईच कैटेगरी के दो दो एग्जांपल्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल्स पता होना चाहिए, जो मेजर साइंटिस्ट है प्लांट प्लांट टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, प्लांट प्लांट से रिलेटेड, किंगडम प्लांट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे आपको आएंगे, ठीक है। अब देखिए नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको जाओ बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब यानी कि एनिमल किंगडम से आपको जाओ यहाँ पे क्वेश्चन जाओ बनेंगे। पिछली बार देखने को मिला था कि बॉटनी का क्वेश्चन अलग है और जूलॉजी के क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो देखो बॉटनी का क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में आएंगे, जूलॉजी के क्वेश्चन जाओ जूलॉजी सेक्शन में आएंगे। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें जाओ मॉर्फोलॉजी होगी प्लांट्स की भी एनिमल्स की भी,
यहाँ पे मोर्फोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जो एनाटॉमी वगैरह भी देखने को मिलेगी, रूट स्टेम लीफ वगैरह इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस रेसिमोस वगैरह इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के बारे में, रूट के, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे जाओ मिलेगा। एनसीईआरटी से बेटर इसके बारे में जो कहीं नहीं दिया गया, तो एनसीईआरटी को आपने जो बुक को फॉलो जरूर करना है। और देखिए एनिमल टिश्यूज में से मोर्फोलॉजी आएगी, जितने भी प्रकार के टिश्यूज है वो आएंगे आपको, ठीक है, रेस्पिरेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट जो सिस्टम होता है, जो उनका फंक्शंस क्या है वो आपको आएगा यहाँ पे, ठीक है। और कॉकरोच के बारे में यहाँ पे आपको देखने को जाओ मिलेगा, ठीक है, कॉकरोच के बारे में आपको देखने को यहाँ पे जाओ मिलेगा। आप देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन में जहां से मेजर रहता है इंपॉर्टेंट, देखिए सेल थ्योरी में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट आएगा, ल्यूवेन हॉक आ जाएगा, सेल थ्योरी आ जाएगी, शिल्डन और श्वान के बारे में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आ जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में आपको देखने को मिलेगा, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखने को मिलेगा, सेल एनवलप के बारे में देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और देखिए पिछली बार क्वेश्चन आया था 2021 में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में से जो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, ये आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है में है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, ये आपके जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपके जेन नहीं आते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन आपको आता है, साइटोस्केलेटन में आपको सीलिया, फ्लैजला, सेंट्रोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बारे में आपको आता ही आता है। अब देखिए यहाँ पे जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे जाएंगे लिविंग बींग्स के, लिविंग सेल्स के, तो बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, एंजाइम एक्शन के बारे में यहाँ पे आपको आता है। जैसे कि पिछली बार पूछा था मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है, तो वो पूछा गया था आपका 2021 के नीट में, तो ये आपको आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस से भी जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जनरली जो क्रोमोसोम्स, जो एस फेज होता है, जी वन फेज होता है, जी टू फेज होता है, जी जीरो फेज होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए जो प्रोफेज वन की, जो म्यूसिस वन में जो प्रोफेज वन की जो स्टेजेस होते हैं उसमें से क्वेश्चन आपको यहाँ से जनरली जाओ बढ़ते हैं, साइकिल, माइटोसिस, म्यूसिस, सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको जाओ बढ़ते हैं। करवाए हुए मैंने सारे के सारे शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल के अंदर, ये सारे के सारे तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी में सिंपल सी बात है, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होगा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन फैसिलिटी, डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहाँ पे परमीज एंजाइम यूज हो रहा है, कहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ते हैं। इम्बाइबेशन के बारे में, गटेशन के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में, ओसोसिस के बारे में, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, ठीक है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में, रूट प्रेशर के बारे में, गटेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड ऑफ स्टोमेटा के बारे में यहाँ से आता है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको आता है यहाँ पे, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के बारे में आता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पे जाओ आता है, ठीक है। अब देखिए मिनरल न्यूट्रिशन में आप जाओ, आपको मिनरल कंटेंट्स, जितने भी इसेंशियल मिनरल कंटेंट्स हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, जैसे मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, ये आपको देखने को मिलते हैं, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए, मिनरल टॉक्सिसिटी हो गई, वो आपको देखने को यहाँ से जाओ मिलेंगे, मिलेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होगा, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह हो गया, तो यहाँ से आपको जाइए क्वेश्चन आपको जब बनते ही बनते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस में अगर बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले, हेटरोट्रॉपिक, सॉरी वो तो अलग आ गया, फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके बारे में, और यहां से जाओ स्थिति साइकिल के बारे में, C4 पाथवेज के बारे में, जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले फोटोसिंथेसिस के, वो उसके बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, जो फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक जो फेज होता है फोटोसिंथेसिस के, उसमें उसके बारे में यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपको ध्यान देना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, और यहाँ से जाओ आपको जो टीसीए साइकिल है, क्रैब साइकिल हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड हो गया, एम्फीबोलिक पाथवे हो गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हो गया, यहाँ से वो क्वेश्चन आपको जो बनते ही बनते हैं। अब देखिए प्लांट ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में, सीड जर्मिनेशन हो गया, फिजल ऑफ प्लांट ग्रोथ हो गया, एंड प्लांट ग्रोथ रेट हो गया है,
कंडीशंस ऑफ ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, री डिफरेंशिएशन हो गया, और देखिए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल हो गया, ग्रोथ हो गया, जिसमें ऑक्सिन, ग्रिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, सीड डोरमेंसी होगा, वनलाइजेशन होगा, यहाँ पे फोटोपोरिडिज्म। देखो प्लांट हार्मोन्स में से आपको जो क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। देखिए एनिमल किंगडम्स में जो भी क्वेश्चन आता है आपको और पूछता है बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन चैप्टर आता है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। पिछली बार पूछा गया था सकस एंट्राइकस क्या है, तो सकस एंट्राइकस क्या था, जो आपका इंटेस्टाइनल जो फ्लूड होता है, जूस होता है, उसको बोलते हैं सकस एंट्राइकस बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हार्मोन्स, पेरिस्टाइसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ से आपको जब क्वेश्चन आपको आता है डिजीज में से क्वेश्चन आपको देखने को जाओ मिलते हैं, ठीक है। और देखिए ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में आपको जाओ देखने को मिलेगा ब्रीथिंग से रिलेटेड जो आपकी जो रेस्पिरेशन रेट होता है, टिडर वॉल्यूम वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मैकेनिज्म जो होता है ब्रीथिंग का जो ह्यूमंस रेगुलेट करता है उसमें से क्वेश्चन आता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में से क्वेश्चन आता है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं अस्थमा, एम्फिसेमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेटरी, वहां से आपको 100% जैसे कि आपको पूछा गया था एम्फिसेमा किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, तो ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, ठीक है। बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूड्स में से ब्लड में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से क्वेश्चन आता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में से क्वेश्चन आता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं अलग अलग टाइप के उसमें से क्वेश्चन आता है कि हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है या नहीं है, तो उसमें से क्वेश्चन आता है। ईसीजी में से क्वेश्चन आ रहा है, कार्डियक आउटपुट में से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। हार्ट फेलियर में से क्वेश्चन आता है, एंगिना पेक्टोरिस में से क्वेश्चन आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज आप जाओ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको जाओ शाम को 9:30 बजे की क्लास की जो लिंक होती है वो भी मिल जाएगी, और आपको वहां पे जाओ सिलेबस भी जाओ मिल जाएगा, ठीक है अच्छे से। और देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, वो आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से किडनी की फंक्शनिंग के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन कहाँ पे सीक्रेट होता है, एट्रियल नेट्रियल यूरेटिक फैक्टर क्या होता है, एडीएच क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस क्या होता है, ठीक है, रिनल फेलर क्या होता है, यूरेमिया क्या होता है, डिसऑर्डर्स जो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वहां से क्वेश्चन आपको जाओ यहां से बनता है। यूरिन, यूरिन का कलर किसकी वजह से होता है, यूरिन में क्या येलो कलर क्यों होता है, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन क्या होती है ब्लड की, बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आपको यहां से बढ़ते हैं। अब देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो जितना भी आपका स्केलेटल सिस्टम है, चाहे अपेंडिकुलर स्केलेटन है, चाहे वो एक्सोस्केलेटन है, वहां से क्वेश्चन आपको जब बन सकते हैं, जॉइंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहां से यहाँ पे बन सकते हैं, मसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकते हैं, ठीक है। जो आपके डिसऑर्डर्स हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट या जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स हैं या मसल्स के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मायास्थेनिया ग्रेविस हो गया, टेटनी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, गाउट होगा, यहां से आपको जाओ क्वेश्चन यहाँ पे जाओ बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब देखिए न्यूरल कंट्रोल में, कोऑर्डिनेशन में, न्यूरॉन के बारे में, नर्व्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में, विजुअल नर्वस सिस्टम के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, और जो नर्व इंपल्स जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में, सेंस ऑर्गन्स, जितने भी आई और ईयर के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपको जो यहाँ से आते ही आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, एड्रेनल, पैनक्रियास, गोनेड, जितने भी हैं आपके जितने भी आपके मैसेंजर्स हैं, रेगुलेटर्स, हार्मोन्स होते हैं, जितने भी आपके हाइपो और हाइपर एक्टिविटी करने वाले हार्मोन्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आपके यहाँ पे आता है। ड्वार्फिज्म, एक्रोमिगाली, क्रिटिनिज्म, गोइटर, एक्सोथैलेमिक गोइटर, डायबिटीज, एडिसन डिजीज, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जवाब बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो प्लस वन की जाओ बायोलॉजी में से करीब करीब जाओ 80-90 क्वेश्चन बनेंगे, और वो मैक्सिमम एनसीईआरटी में से होंगे। अगर आपको जाओ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सॉल्व करें तो बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी के ट्रिक आप जरूर सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम को तो जरूर देखिए उसको, ठीक है। अब देखिए क्लास प्लस टू की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से, या बुक होती है उसमें से, रिप्रोडक्शन में से चैप्टर आता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहां पे जो पूछते हैं, बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, एगैम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कैसे होते हैं उसके बारे में यहां पे जो पूछते हैं, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज के बारे में यहां पे जो पूछते ही पूछते हैं। और देखिए दूसरा यहां देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, गैमेट्स कैसे क्या होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होते हैं गैमेटोफाइट की, पोलिनेशन क्या होती है, कितने तरह की होती है, कौन कौन सी एजेंसी पोलिनेशन को करती है, ऑर्बिटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन कौन सी होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो की लेयर्स कौन कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ सीड कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे हो रहा है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का, वो यहाँ से आपको 100% देखने को मिलता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है जितना भी मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में आप ले जाओ आपके आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितना भी जो टेक्निक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, ठीक है, एड्स वगैरह के बारे में, कैंसर वगैरह के बारे में और एलर्जीज वगैरह के बारे में, ठीक है, वो यहाँ से आते हैं। और जो बर्थ कंट्रोल जो नीड होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंट्रासेप्शन होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, वो यहाँ से आता है। एम्नियोसेंटेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, आईवीएफ, गिफ्ट, गिफ्ट, यहाँ से जाओ क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे से जाओ मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आता है, मेंडल के जितने भी लॉ है आपको क्वेश्चन आएगा, मेंडल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के बारे में, मेंडलिज्म के जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, कोडोमिनेंस के बारे में, मेंडलिज्म के जो इनहेरिटेंस के जो लॉस के ऊपर, ठीक है, ब्लड ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री आइडियाज आएंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, क्रोमोसोम थ्योरी आएगी आपको इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोम्स एंड जीन के बारे में आएगा, सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में आएगा ह्यूमंस में, बर्ड्स में, हनी बीज में, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आएगी यहाँ पे आपको, ड्रोसोफिला के जो ऊपर होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफिलिया वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया वगैरह के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं आपको ह्यूमंस बींग्स के, डाउन सिंड्रम, स्टर्नर सिंड्रम, लाइनफेल्डर सिंड्रम, किसके बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा भाई, मिलेगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर बेस्ड ऑफ इनहेरिटेंस में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल जितना भी होता है, डीएनए पैकेजिंग कैसी हो रही है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसी हो रही है, सेंट्रल डोगमा के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, पिछली बार जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में जो क्वेश्चन आपको आ चुके हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, लैक ऑफ पुरन के बारे में, जीनोम के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में आपसे जो क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में लाइफ के बारे में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में जो एविडेंसेस है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, पैलियंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन की जो सिद्धांत है, सिंथेटिक थ्योरी इवोल्यूशन की, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन होगा, वेरिएशन होगा, म्यूटेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, यहाँ से आपको जाओ क्वेश्चन आपको जाओ बनते ही बनते हैं। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ, बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में, देखो जितना भी हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज है उसके बारे में, पैथोजेंस के बारे में, उनके मलेरिया, फिलेरियसिस, एस्केरियसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, एमीबॉयसिस, रिंग वॉर्म, इसके बारे में क्वेश्चन आपको आता है। इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन के बारे में आते हैं, कैंसर के बारे में आता है, एचआईवी के बारे में आता है, एड्स के बारे में आता है, अब एडोलेसेंस से जो रिलेटेड जो ह्यूमन डिजीज होती है, ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन आता है, एल्कोहल अब्यूज होता है, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में मिले हैं, आप इसको जरूर कीजिएगा। फूड प्रोडक्शन के बारे में, जैसे कि साहिवाल के बारे में आ गया था पिछली बार, जो शीप होती है वो आपको यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। देखिए प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पे जो आपको आ गए थे, ठीक है। और देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है फर्मेंटेशन वगैरह में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में यहाँ पे यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, तो वो यहाँ से आपको जो 100% चांसेस बनता है क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो कम से कम इसमें से जाओ 10-12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जाओ मिलेंगे एनसीईआरटी में से। बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी प्रिंसिपल थे बायोटेक्नोलॉजी के उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियर के बारे में स्टडी कीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में स्टडी कीजिएगा, जितने भी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन हो गया, वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, जीन थेरेपी हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, बीटी क्रॉप्स हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए,
बायो सेफ्टी इश्यूज हो गए, बायो पॉलिसी हो गए, बायो पैटर्न्स हो गए, ये सब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है वहां से 4 to 5 क्वेश्चन आपको जाओ इकोलॉजी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये इजी भी रहता है और ये आपका जाओ काफी स्कोरिंग भी रहता है। तो देखो इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट में हैबिटेट एंड नीक पॉपुलेशन के बारे में, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इंट्रैक्शन के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में, कंपटीशन के बारे में, प्रीडिशन के बारे में, पैरासिटिज्म के बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपको जाओ इकोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो आप जाओ इकोलॉजी बाय शुभम जी के ट्रिक सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट बाय शुभम जी के ट्रिक, या फिर इकोसिस्टम बाय शुभम जी के ट्रिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन बाय शुभम जी के ट्रिक, एनवायरमेंट इश्यूज बाय शुभम जी के ट्रिक, आपको यहां से जय सर्च कर लेना है, ठीक है। देखिए बायोमास के बारे में क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन इकोसिस्टम के, और जो फूड चेन है या फूड वेब है उसके बारे में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कार्बन फिक्सेशन के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन रिलीज के बारे में क्वेश्चन आता है, पोलेशन के बारे में आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं इकोलॉजी में से, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, नेशनल पार्क्स क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ से। रेड डाटा बुक में से क्वेश्चन आते हैं, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है वहां से जो क्वेश्चन आपको जगह देखने को मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क्स पूछ लेते हैं कभी कभार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ लेते कभी कभार, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेते कभी कभार, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज पूछ लेते कभी कभार, ठीक है, हॉटस्पॉट पूछ लेते कभी कभार। तो ये आपको क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज में से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन में से क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, रेडियोएक्टिव जो वेस्ट होता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं आपको, ओजोन डिप्लेशन में से क्वेश्चन आते हैं आपको, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनमें से आपको जो क्वेश्चन आपको आते हैं डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन से आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। तो ये आपको जो सिलेबस मैंने करवाना था, नीट का सिलेबस था ये, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस, आप जाओ खुद जाओ टेलीग्राम पे जरूर देखेगा, ठीक है, टेलीग्राम को आप जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर सर्च कीजिएगा। अगर आपको बायोलॉजी एमसीक्यूज के, अगर आपको बायोलॉजी एमसीक्यूज का जाओ प्लेलिस्ट चाहिए तो आप सर्च करें बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी केट्रिक, ठीक है, शुभम जी केट्रिक, आपको बायोलॉजी एमसीक्यूज की जाओ बहुत सारी जाओ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जरूर देख सकते हैं उसको, आपको एनसीईआरटी में से वो बनाई है मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एडवांस लेवल पर आपको हर एक चीज समझा रहा हूं मैं वहां पे, और हर एक चैप्टर को आप वहां पे जय समझा रहा हूं आपको मैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। और नहीं तो आप जब शुभम जी के ट्रिक सब्सक्राइब कर लो, शाम को 9:30 बजे क्लासेस होती है हमारी बायोलॉजी की, तो शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के अंदर आपको जाओ प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में आपको जाओ काफी सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको जाओ बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी जाओ बहुत सारी जाओ मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ मैसेज कर दो मेरे को, मैं वहां पर भी आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।